Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you, and welcome to our YouTube channel that is EduOcean Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel, and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can, and please comment it, because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram, as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduOcean Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications, and we will be glad to provide you the educational services. Okay, so look at here. अभी हम देखेंगे ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट. तो उसमें क्या रहेगा, कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स देखेंगे, ठीक है. इसमें जनरली अभी चार होते हैं, उसमें से तीन हम देख लेंगे, ठीक है. कौन से फर्स्ट होता है ए टेस, नाम में हमें नाम से पता चल जाएगा, एंगल 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 टेस. सो इसमें क्या होता है बच्चों, लुक एट एनी फिगर, आप देखोगे सो एंगल ए यहाँ का सिंबल देखोगे आप, और ये पी यहाँ का सिंबल देखोगे, आपको इक्वल दिखाई दे रहा होगा. मतलब क्या होगा, एंगल ए सिमिलर टू एंगल पी. मतलब क्या है इसका जनरल शॉर्ट में एक सेंटेंस बताता हूँ. इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, corresponding are equal, their corresponding sides are in the same ratio. Okay, look at here. अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल है, राइट बेटा. कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, और कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीक्यूआर है, राइट. इनके अगर corresponding angles, क्या बोल रहा हूं मैं, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then the corresponding sides are also in the same ratio. यही हमें देखना है इस क्राइटेरिया में. यहाँ पे देखो एंगल ए है, एंगल बी है, these two are what, corresponding angle. जैसे कि हमने बेसिक जब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का जो आप वीडियो देखोगे वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है. corresponding angles क्या दिया, वो क्या रहेंगे, इक्वल, तो उनके जो भी साइड्स रहेंगे आर इन द सेम रेशियो. यही हमें देखना है इस केस में. यहाँ पे अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताओ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंगल ए है, क्या है, इक्वल एंगल बी से, राइट. बाद में एंगल बी है, कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल क्यू है. मतलब यहाँ पे का सिंबल भी आप देखो, आफ्टर दैट एंगल सी, और यहाँ का एंगल आर, दिस टू आर ऑल्सो इक्वल. सो ये तीनों एंगल कैसे है, करस्पॉन्डिंग है, और वो कैसे है, इक्वल है. सो उनके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे रहेंगे, आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो. यानी कि लुक एट हियर, जो भी आप देखोगे ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे जो देख रहे हो ए बी अपॉन पी क्यू, आफ्टर दैट बी सी अपॉन क्यू आर करस्पॉन्डिंग, राइट. वॉट इज दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग. इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन corresponding sides are in the same ratio. ये चीजें बेसिक है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है, यानी कि इसके ऊपर अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो आफ्टर दैट लुक एट हियर, तो क्या होगा, आर इन द सेम रेशियो, तो क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. Understood? So, अभी by which test these two triangles will be similar? By which test है? AAA test. That long form is angle, angle, test, angle, test. मतलब तीनों में angle जो दोनों triangle के कैसे रहेंगे? Similar रहेंगे, similar तो equal रहेंगे, right? So, according to that, these two triangles, which triangles? Triangle ABC and triangle PQR, they will be congruent. By which test? यहाँ पे test कौन सा लिखेंगे हम? AAA test. Okay? So after that, second, ये तो हो गया first. अब
अभी देखना है हमें एसएसएस टेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल जाएगा, साइड 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 टेस्ट। जैसे फर्स्ट इसमें हमने क्या देखा था कि अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन साइड इज इन द सेम रेशियो। अभी यहां पे क्या होगा कि साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब साइड्स अगर सिमिलर रहेंगे ऑब्वियसली दैट ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, एसएसएस टेस्ट। यहां पे अगर आप फिगर में देखोगे तो आपको दिखाई देगा करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी आपको बताना है मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से कौन से है, तो देखो यहां पे रहेगा डीई, कौन सी साइड डीई, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी रहेगी एक्स स्क्वायर, राइट। तो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड कैसे रहेंगे, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे हम, ठीक है, डी एक्स वाई एफ वाई जेड, ई एफ वाई जेड रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट डी एफ एक्स जेड, डी एफ एक्स जेड, तो तीनों साइड कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, दे विल बी इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन दैट टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, यस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट वन मोर टेस्ट इज वी हैव टू लर्न, लुक एट हियर बेटा, यहां पे क्या रहेगा, कौन सी टेस्ट है वो, यस ए यस टेस्ट, कौन सी टेस्ट है, यस ए यस टेस्ट, यस ए यस। अभी इसका नॉर्म फॉर्म क्या रहेगा, साइड एंगल साइड टेस्ट। आपको नाम से पता चल जाएगा कि इसमें दो ट्राइंगल दिए जाएंगे, ऑब्वियसली ट्राइंगल तो लगने वाले हैं, और उनके दो साइड्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और वन एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो टू साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल विल बी इक्वल, देन दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, देन यस ए यस टेस्ट। इस फिगर में हमने क्या किया है, कौन से साइड दिखाई, हमने जैसे इसी वाले से हम दिखा देंगे, सो एलएम साइड एलएम सर कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, और इक्वल टू साइड एबी। आफ्टर दैट एंगल हमने एम दिखाया, और एक करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एम एंड दिस एंगल बी, हमने वो कॉन्ग्रुएंट दिखाया। आफ्टर दैट दिस साइड एम एन कॉन्ग्रुएंट टू साइड बीसी, ये हमने दिखाया। तो इस क्राइटेरिया से यहाँ पे देखो ये क्या मिल गया हमें, साइड, ये क्या मिल गया एंगल, और ये क्या मिल गया फिर से साइड, तो कौन सा टेस्ट है, ये इक्वल हो जाएंगे, यस ए एस टेस्ट। सो दिस इज द पार्ट, सो हमने क्या क्या देखा पढ़ा, फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, फर्स्ट कौन सा था ट्रिपल ए मतलब ए ए टेस्ट, सेकंड था एस 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 टेस्ट, एंड थर्ड था एस ए एस टेस्ट। सो इसका आपको अच्छे से फिर से रिवाइज करके स्टडी करना है, अच्छे से जो भी बेसिक पार्ट ट्रायंगल का वो सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिएगा बुक में और पढ़िएगा। थैंक यू। सो अभी हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, यानी कि ऐसे हमारी जो भी रहेगा हमारा कैसे रहेगा कि सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से हार्डर प्रॉब्लम तक जाएंगे, पहले इजी इजी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी जो भी अब तक पढ़ा है वाला, ठीक है। ये कैसे होता है बच्चों कि थ्योरम पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आते, जनरली केस होता है, तो फॉर दैट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और उस सॉल्व करते समय वो जो पर्टिकुलर जो भी थ्योरम है या जो भी प्रॉपर्टी है उसका हमें अप्लाई करना है, वेरी वेरी सिंपल। ये ज्योमेट्री पार्ट यही होता है बेटा कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे हमें कंसेप्ट यूज करके उसका अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे फिगर में दिखाई देगा ट्रायंगल एबीसी दिया है, और ट्रायंगल कौन सा दिया है, पीक्यूआर दिया है। अगर आप दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे क्या सिमिलरिटी इन दोनों ट्रायंगल में आपको समझ में आ जाएगी, दैट टू ट्रायंगल्स आर राइट ट्रायंगल्स। जैसे मैंने बताया था पहले कि ट्रायंगल्स के टाइप्स है, राइट ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। सो राइट दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर ऑफ व्हाट, राइट एंगल, बिकॉज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अतः यहाँ पे फिगर पर गौर से देखिएगा, फिगर को अच्छे से आप देखोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपके इजी जाएंगे, यानी कि ये जो दो फिगर में से आपको तीन से चार चीजें मैं कवर करने वाला इस वीडियो में, ये दोनों फिगर और यही क्वेश्चन के बेस पर, कौन से कौन से, तो रिकेटिए यहां पर देखो ट्रायंगल एबीसी दिया है, ये तो राइट एंगल दिया है 90 डिग्री, और यहाँ पे वन एंगल कितना दिया है 40 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल पीक्यूआर, और यहाँ का एंगल एंगल आर वो कितना दिया 50 डिग्री, यहाँ का एंगल पता नहीं, यहाँ का एंगल
बट वी आर नोइंग दैट वन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. व्हाट वी आर नोइंग दैट वन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज दैट द प्रॉपर्टी इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दैट यू हैव टू रिमेंबर. मतलब जो ट्रायंगल के तीन एंगल रहते हैं उनकी अगर सम करोगे तो हमें कितने मिलने वाली है वो 180 डिग्री. ठीक है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री बेटा. आफ्टर दैट ये हो गया 40 डिग्री. 90 प्लस 40 कितना होगा 130 डिग्री और रिमेनिंग 180 डिग्री हमें लाना है. तो यहाँ ये ऑब्वियसली एंगल इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा 50 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 130 दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री. मतलब बाय ऑटोमेटिकली by using that property, which property? Sum of all the angles of triangle is equal to 180 degree. So, ये angle कितना हो गया फिर? 50 degree हो गया. Like that, look at here, in this figure, which figure? Triangle PQR. यहाँ पे क्या दिया? One angle is of 90 degree. यहाँ पे 50 degree. Same, apply that property. 90 plus 50 is equal to 140 degree. एंड 180 में से माइनस करोगे 140 तो हमें क्या मिलने वाला है 40 डिग्री. सो एंगल बी कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री. तो अगर आप थोड़ी देर पहले जो पढ़े हमने वो याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लुक एट हियर, ये एंगल 40 डिग्री का है, ये भी एंगल 40 डिग्री का है. मतलब दोनों एंगल क्या हो गया ऑब्वियसली सिमिलर कॉन्ग्रुएंट. आफ्टर दैट दिस इज ऑफ 90 डिग्री. एंगल क्यू इज ऑफ आल्सो 90 डिग्री. दैट टू एंगल्स आर equal. After the period बड़ा angle C 50 degree and angle R 50 degree. That means they two angles are also equal. मतलब इन दोनों figure में by applying sum of all the angles of triangle is equal to 180 degree हमें वो angle मिल गए जो हमें पता नहीं थे, figure में नहीं दिए थे. और वो पता चलने के बाद हम क्या travel करेंगे कि जो भी दोनों triangle के corresponding angles वो कैसे equal है. कैसे बेटा इक्वल है. तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, कौन सी वाली? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. अभी भी पढ़ा था तो वही हमें अप्लाई करना है. इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से भी कर सकते लेकिन हम इजी वे से जाएंगे. ठीक है, तो माना कि अभी कौन सा हमने पढ़ा कि ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, राइट. इसकी वजह से जो भी करस्पॉन्डिंग साइड वो कैसे रहेंगे इन द सेम रेशियो, आर विल बी इन द सेम रेशियो. कैसे? तो लुक एट हियर, तो देखो एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर इक्वल टू एसी अपॉन पीआर. ओके, तो जनरली हमें ऊपर वाले टर्म पता है, एबी पता है, बीसी पता है, एसी पता है, राइट. बट हमें सिर्फ पीक्यू दिया है, क्यूआर पता नहीं, पीआर पता है. यहाँ पे अगर पीक्यू भी दिया नहीं जाता था तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि जस्ट एक एजम्पशन करके. लेकिन यहाँ पे एक साइड दिया है, उनका पहले बेसिक रेशियो देखेंगे, बाद में उसको अप्लाई करके रिमेनिंग टू साइड्स हम निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर बेटा. सो अगर हमने एबी का मेजरमेंट देखोगे, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये जो क्राइटेरिया पे प्रूव हो गया. अभी क्या करना है, एबी का मेजरमेंट कितना है 3 है, पीक्यू का कितना है 6 है. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अगर अगेन दैट बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, राइट. सिंपलेस्ट फ्रैक्शन तो पहले क्या होता है, ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है इसमें ढेर सारे जो भी कंसेप्ट है वो इंक्लूडेड होते हैं. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बेटा, 1 अपॉन 2 आ गया, राइट. तो 1/2, राइट. आफ्टर दैट अभी क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2. सिमिलर रेशियो आर इन द सेम रेशियो. तो बीसी बाय क्यूआर, बीसी कितना दिया अपना 4 दिया है, राइट. अभी क्या निकालना है, क्यूआर निकालना है. तो हमें पता है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. देखो और एक कंसेप्ट आगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो क्या होगा, ये क्यू आर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आएगा क्यू आर, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, कितना होगा 2 4 से 8. सो क्यू आर की वैल्यू कितने आ गए 8,
राइट। सो लाइक दैट क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई फिर 8। अभी रिमेनिंग कौन सी साइड रहेगी, पी आर, या तो आप हाइपोटेनस थ्योरम या मींस पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये रेशियो से जाएंगे आप इजी वे में। तो देखो अभी क्या करेंगे, अभी कौन सा निकालना है हमें, पी आर, कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा हमें, एसी बाय पी आर। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका भी अगर देखो ए कितना आया था 1/2, 1/2 इक्वल टू एसी हमें पता है एसी कितना है 5, और क्या फाइंड आउट करना है पी आर। तो लाइक दैट से इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद पी आर इंटू 1 कितना आएगा पी आर, राइट, और इंटू मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 से कितना होगा 10। सो इन दैट वे वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग दैट थ्योरम। जैसे मैंने थ्योरम पढ़ाते समय बोला था कि थ्योरम कौन सा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये हमने प्रैक्टिकली भी प्रूव किया बेटा, कैसा रहता है प्रैक्टिकली भी आपको आपके रिजल्ट के सामने वो प्रूव होना चाहिए ताकि कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में घुस सके, यानी कि ये परमानेंटली आपको याद रहेगा।